जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। पूरी शिद्दत और मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। हम फिर से आपको रिमाइंड करते हैं एक चीज कि जो भी आपको ड्रीम डोज में प्रोवाइड किया जा रहा है, नॉट ओनली यू विल क्लियर दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। दरोगा के एग्जाम में जो टॉपर होंगे वो आप लोग होंगे। इसका दो पॉइंट मैं अभी आपके सामने रखता हूं। कोई भी कहीं भी आप ज्वाइन करोगे, आपको करंट अफेयर्स जिस तरीके से हम बैठ के आपके साथ आपको करंट अफेयर्स याद करवाते हैं, चाहे वो जी आई टैग हो, फेस्टिवल हो, इंडेक्स हो, या चाहे हम स्टैटिक जीके का जो एक बड़ा पोर्शन है जो हम आपको याद करवाते हैं, या चाहे हम स्पीडी का एनालिसिस करवाते हैं, ये कहीं प्रोवाइड नहीं किया जाता। आप कहीं भी जाओगे सिंपली आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। तो मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि आप बेस्ट प्लेस पे नहीं, बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेस पे आप पढ़ रहे हो। बस आपको मेहनत करना है। बस जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसको पैरेलल लेके चलिए। अगर आपने इस पैरेलल जो एक ये है इसको आपने मेंटेन कर लिया, यू विल बी अमंग द टॉपर। स्टार्ट करते हैं कि अगले दो दिन आप क्या पढ़ने वाले हो। जो ड्रीम डोज के द्वारा जो वीडियो एंड पीडीएफ दिया जाता है, प्लीज सबसे पहले उसको आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको बुक्स के जो पेजेस दिए जाते हैं उसको करना है। मैं फिर से याद दिलाऊं कि विदाउट बुक, अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं सिर्फ मेरा नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, मिसलीडिंग यू टोटली। क्योंकि कोई भी अच्छा टीचर ये कभी नहीं कहेगा कि आपको बुक नहीं पढ़ना है। बुक पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मेरिट उसी से डिसाइड होता है। स्टार्ट करते हैं। नीचे लिंक होगा, अभी तक नहीं जुड़े हो जुड़ सकते हो नीचे, ठीक है। प्लस एक चीज और, जो भी आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है, स्पेशली जो आपको व्हाट्सएप पे डेली क्वेश्चंस डाले जाते हैं, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन जो मेंस लेवल तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डाले जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अगले दो दिन आप क्या करने वाले हो, और याद रखिएगा इसको लिखते हुए चलना है, ठीक है। क्या करना है, इसको लिखते हुए चलना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हर चीज को लिखते हुए चलना है, कि आपको एक नोट बनाना है कि हमने क्या पढ़ लिया है, क्या हमें और पढ़ना है, ताकि आप इससे रिवीजन जब करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो संडे को तो आपको पता है रिवीजन करना है आपको। चलिए तो ये है आपका अगले दो दिन का, ठीक है, कि अगले दो दिन आप क्या पढ़ने वाले। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए दो जो भी टॉपिक अभी तक आपको करवाया गया साइंस में, ठीक है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे। आज हम लोग आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। थोड़ा सा सिनेरियो आपको समझना जरूरी है। देखिए हमारा जो भी ग्रंथि है, जो भी ग्लैंड है पूरे बॉडी में, वो दो तरीके के ग्लैंड होते हैं। एक क्या है आपके इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं अनसर्वी ग्रंथि, और एक होता है आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि बाहर सर्वी ग्रंथि। जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है वो बेसिकली क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है जो हमारा बॉडी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है बाहर सर्वी ग्रंथि, जो क्या आपका डाइजेस्टिव जो जूस होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस जो खाना पचाने हमें बहुत हेल्प करता है, उस टाइप के जूस जो है रिलीज करती है। तो याद रखिएगा जो भी आपको डाइजेस्टिव, ठीक है, सिस्टम आप पढ़ोगे, आपको कोई बोलेगा कि पाचन तंत्र पढ़ने वाले हो, मतलब आप क्या पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट मींस आप बाहरी स्रावी ग्रंथि पढ़ने वाले हो। और हमने हमेशा कहा है कि एक ऐसा ग्लैंड है, ग्रंथि है जो इंडोक्राइन भी हो और एक्सोक्राइन भी, वो कौन सा है, यस वो है आपका पेनक्रियास अग्नाशय, ठीक है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, लिप्सा हो गया, और आपका इंसुलिन भी रिलीज करता है। क्यों, तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन रिलीज, एक हार्मोन है, ठीक है, तो दोनों, इसलिए जो आपका पेनक्रियास है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। थोड़ा समझाते हुए हम इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो आज जो आप पढ़ोगे आप डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, और थोड़ा और अगर मैं बोलूं तो क्या पढ़ोगे आप, एक्सोक्राइन ग्लैंड बाहरी स्रावी ग्रंथि आप पढ़ने वाले, राइट। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पीडी एनालिसिस का तीसरा वीडियो आपको दिया जाएगा, तो प्लीज इसको आप जरूर कंप्लीट करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करें। उसको आपको कहां से कंप्लीट करना है, तो ड्रीम डोज का वीडियो एंड पीडीएफ आपको दिया जाएगा, कुछ बुक के पेजेस दिए जाएंगे, और एनसीईआरटी सार भी आपको अपने पास रखना है, और इस टॉपिक को वहां से भी एक बार देख लेना है। हमने यूज किया था एनसीईआरटी सार, मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे दरोगा हो चाहे ईएसआई हो, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस कहां से करना है, इसके क्वेश्चंस कहां से आप प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले एनसीईआरटी सार के वन लाइनर लगा लेना, और कॉम्पिटिशन यूथ कॉम्पिटिशन का जो बुक है, ठीक है, वो इसका पीडीएफ भी डाला गया, पर बेटर है बुक खरीद लो, ठीक है, लॉस में नहीं रहोगे। तो यूथ कंपटीशन का पीडीएफ हमने डाल दिया। तो ये बेसिकली आज आपको साइंस से पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है, स्पीडी का एनालिसिस एक जो वीडियो दिया जाएगा वो किया जाएगा, और कहां से, तो ड्रीम डोज का जो वीडियो है वो पहले देखना है, उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, और बुक के कुछ पेजेस, और आपको प्रैक्टिस कहां से करना है, यूथ कंपटीशन बुक से उसका पीडीएफ दिया। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री में हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था, अब हमेशा चीजें को रिलेट होनी चाहिए, हमने स्टार्ट किया था उत्तर मुगल काल में। आपने क्या समझा कि जो पूरा मुगल होते हैं, ठीक है, थीके? जब उत्तर मुगल काल आता है, लेटर मुगल आता है, तो मुगलों का क्या होता है, अंत होता है, क्योंकि कमजोर शासक होते हैं, ठीक है, थीके? आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा कि मुअज्जम से आपने स्टार्ट किया था, बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह द्वितीय तक आपने पढ़ा, ठीक है। अब क्या होता है, आपने समझा
क्या समझा? पहले आपने ये समझा कि मुगलों का अंत हुआ, उसके बाद उसी समय आपने देखा कि यूरोपियन कंपनी सब आते हैं, और जो सबसे पावरफुल यूरोपियन कंपनी निकल के आता है वो कौन होता है? आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फाइनली 1659 में बैटल ऑफ वेदरा में, ठीक है, किसको हराते हैं? डच को हराते हैं, और वही 60 में किसको हराते हैं? आपको 1660 में किसको हराते हैं? तो आपको फ्रेंच को हराते हैं बैटल ऑफ वंदीवास में, ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो अब क्या है, पूरा साम्राज्य किसके अंदर है? है तो अभी राजाएं, ठीक है, बट अब क्या करेंगे, जो ये इंग्लिश है, पलासी का, बक्सर का और एंग्लो मैसूर वार लड़ेंगे और अब अपना ये शासन स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो आपको पलासी पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आप सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर पढ़ना है, जिसमें कि आप मीर कासिम के बाद यहाँ जो है, ठीक है, सॉरी, इसमें जो आपका सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ोगे, फिर से आप यहाँ जो है आपका बक्सर में आप मीर कासिम के बारे में पढ़ोगे, और एंग्लो मैसूर वार से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्साइज में पूछा गया था कि जो टीपू सुल्तान था, इसमें टीपू सुल्तान उसके पिताजी आप हैदर अली के बारे में पढ़ोगे। तो आप ये समझो कि पलासी, ठीक है, पलासी बक्सर यहाँ कब्जा किया जा रहा है, पूरे भारत पे लड़ लड़के कब्जा किया जा रहा है, किसके द्वारा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और वो आप शासन स्टार्ट करने वाले, पहले वो कंपनी के तौर पे आए थे। तो एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ोगे, चार एंग्लो मैसूर वार पढ़ोगे, जिसमें कि चौथा एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान का अंत होता है, मतलब वो मर जाते हैं 1799 में, और दूसरे एंग्लो मैसूर वार में आपको पता है किसका अंत होता है? हैदर अली का अंत होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपका ये जो टीपू सुल्तान थे इनका राजधानी कहाँ था, तो ये था श्रृंगपट्टनम, ठीक है, हर चीज मक्खन की तरह आपका दिमाग में बस जाएगा। अगेन ड्रीम डोज वीडियो से आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी का जो बुक है महेश बनेवाल, उसका एक बार देख लेना, सबसे पहले ड्रीम डोज वीडियो एंड पीडीएफ, उसके बाद प्रैक्टिस, अगेन आप घटना चक्र से कर सकते हो, हिस्ट्री का है, या आपके पास जो भी बुक है, मैंने यूथ कॉम्पिटिशन का बुक मैंने डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स जिस तरीके से मैं एनालिसिस करके करवा रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ते हुए चलना है, और अपना एफर्ट भी देना है, सिर्फ टीचर के एफर्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये मूर्खता है। सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जो अपना एफर्ट देंगे। आप हजारों के भीड़ में सिर्फ 10 से 12 कोचिंग से निकलते हैं, वो निकलते हैं जिनका खुद का एफर्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग बस जरिया है और सही डायरेक्शन दे रहे हैं। करंट अफेयर्स जो मूर्खता है, जो अभी छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है, जनवरी, ठीक है, जनवरी का आज 21 से लेके 31 तक का आप करोगे वन लाइनर स्पीडी से, और जीआई टैग का आज सेकेंड पार्ट आएगा, तो इसका भी एनालिसिस थर्ड पार्ट आएगा आज आपका, और आपका जीआई टेक का भी सेकंड पार्ट ट्रिक वाला आएगा। बट अपने पास बुक रखना है, जो मैं बोलता हूं उसको खुद भी करना है, बाकी हम पे छोड़िए, हम जो एनालिसिस करवाते हैं ट्रिक से वीडियो करवाते हैं, ये कोई नहीं करवाएगा, बट अपना एफर्ट प्लीज आप अपना दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप मेरे पे डिपेंडेंट रहो, जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूं कि अपना एफर्ट आपको देना है, ठीक है, आपका ड्रीम है। तो ये हो गया जनवरी का 21 से लेकर 31 तक जीआई टेक आज फिर से पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और आपका ये चीज हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, और देखो बीच बीच में जो अगर मैं लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूं या ऑडियो डाल दूं तो उसको सुनना है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं है, बहुत चुन चुन की चीजें डाली जा रही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टैटिक जीके पे, 10 से 12 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब देखो आज जो आप करने वाले, ये सब कोई नहीं करवाएगा, ठीक है, आपको कोई पढ़ा के चला जाएगा वो अलग बात है। टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आप पढ़ने वालों, आपको पूछा जाएगा कि कॉर्पोरेट टैक्स किस टाइप का टैक्स है, निगम कर, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कौन सा टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, इस टाइप के जो टैक्सेस है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन छपते हैं। और दो तीन ही ऐसे टॉपिक है इकोनॉमिक्स के, ठीक है, जहां से दरोगा में क्वेश्चन आते हैं, एक हो गया आपका टैक्स सिस्टम, एक हो गया आपका बैंकिंग सिस्टम, एक हो गया आपका 5 ईयर प्लान, और कुछ और है वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स सिस्टम, ट्रिक से मैंने पूरा का पूरा आपको दिमाग में छापा, आपको याद रखना है। फिर से अगेन आपका एक टेस्ट, 50 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा, ठीक है, उसको भी आपको देना है। और स्पीडी जीके जीएस प्लीज अपने पास रखे, रोज 2 से 3 पेज आपको करना है, जीके वाला और एक साइंस वाला आता है उसको करना है, हम करवा रहे हैं बट अपने लेवल पे भी आपको करना है, क्योंकि हम जो करवा रहे हैं उसमें क्वेश्चंस और इंक्लूड करके बताते हैं, बट एटलीस्ट आप लोग को भी करते रहना है। और लास्ट में जो है आपका मैथ्स रीजनिंग के भी वीडियो आएंगे, स्पेशली मैथ्स के अभी चल रहे, रीजनिंग का जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको ड्रीम डोज ट्रिक के साथ। तो सब चीज़ पहले ड्रीम डोज से कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको बुक के पेजेस पढ़ने हैं, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कुछ इससे बेस्ट हो सकता है तो वो है ड्रीम डोज और लाएगा, अगर कुछ इससे बेस्ट हो सकता है, बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और जितने भी नए लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं फिर से बोलता हूं, अगर सिलेक्शन एक बार में चाहिए तो आप ड्रीम डोज के साथ जुड़ सकते हो, एटलीस्ट आप इसको जरूर आप फॉलो करें, तभी भी आपका बहुत काम बन जाएगा। जय हिंद।